प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समयानुसार गुरुवार की रात अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। वे एकमात्र भारतीय नेता है जिसने दो बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया है। गुरुवार की रात उनका संबोधन वैश्विक मंचों पर भारत के बढ़ते कद और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का प्रतीक बन गया। अमेरिकी संसद में भारत माता की जय के जयकारे लगे, वंदे मातरम और मोदी मोदी की गूंज सुनाई थी। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान करीब 79 मौके ऐसे आए जब तालियां बजी। इस दौरान 15 बार अमेरिकी सांसदों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। अमेरिकी सांसदों में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और उनके साथ सेल्फी लेने और उनका ऑटोग्राफ लेने की होड़ देखी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर है। इस यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों समेत अमेरिकी नागरिकों में भी काफी उत्साह है। जब वे अमेरिकी संसद पहुंचे तो सांसदों ने मोदी मोदी के नारों के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी के संबोधन के पहले अमेरिकी संसद करीब 1.5 मिनट तक मोदी मोदी के नारों और तालियों से गूंजती रही। प्रधानमंत्री ने करीब 1 घंटे तक संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। कहा कि अमेरिका का लोकतंत्र सबसे पुराना है और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लिहाजा दोनों देशों की साझेदारी लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छी है, बेहतर दुनिया और उसके बेहतर भविष्य के लिए यह अच्छी पहल है। इस दौरान पीएम ने एआई की नई परिभाषा भी गढ़ी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई, साथ ही साथ एक अन्य एआई भारत प्लस अमेरिका के रिश्तों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट आती रही, भारत माता के जयकारे सुनाई पड़ते रहे। अभिनंदन में अमेरिकी सांसदों ने 15 बार खड़े होने और 79 बार तालियां बजाना भले कोई रिकॉर्ड न हो, लेकिन यह दिखाता है कि पीएम मोदी दुनिया में लोकप्रिय है। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। यही कारण है कि सेल्फी और ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिकी सांसदों में होड़ दिखी। गौरतलब है कि मई 2023 में जापान में आयोजित क्वाड देशों की बैठक के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि वे अमेरिका में भी काफी लोकप्रिय है। साथ ही बाइडेन ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ की मांग भी की थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।